म्यूजिक। जमाना बदल गया, सतयुग से कलयुग आ गया, बेटा बाप को मारने लगा, शिष्य शिक्षक को गाली देने लगा, इन बिगड़ते रिश्तों के बीच विद्या की मृत्यु हो रही है, शिक्षा जगत को यही चेतावनी देने के लिए पेश है जबरदस्त नाटक। क्या गलत था एकलव्य, क्या गलत था एकलव्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे एकलव्य, तुमने गुरु द्रोण से शस्त्र विद्या सीखी है, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। आदेश कीजिए गुरुदेव, आपकी इच्छा पूर्ति मेरा परम कर्तव्य होगा। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अवश्य गुरुदेव, ये लीजिए। अहो भाग्य मेरे, जो मैं शिष्य का फर्ज निभा सका। तुम धन्य हो एकलव्य, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, आने वाला कल तुम्हें याद करेगा, हर पीढ़ी तुम्हारी गुरु दक्षिणा याद करेगी, हर विद्यार्थी तुम्हें अपना आदर्श मानेगा। आओ वक्त, मैं तुम्हें अपने शिष्यों से मिलवाता हूँ। मैं समय हूँ, हजारों साल बाद कलयुग में फिर हुआ शिष्य और शिक्षक का विवाद। आइए सुनते हैं 12वीं कक्षा में मास्टर दीनानाथ और कांजी भाई का संवाद। अरे कांजी भाई, आज फिर तुम कॉलेज नहीं आए, घर से निकलते हो तुम लोग समय पर रस्ते में यासी से तुम लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती। हजार बार कहा है अपने कैरियर पर ध्यान दो। और स्वीटी, तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? ठहरो, अभी तुम लोगों के पेरेंट्स को कंप्लेन करता हूँ। मार मार, घर पे फोन करेगा, मार, टांग तोड़, टांग तोड़। क्या हुआ दीनानाथ जी, कुछ मारपीट हुई क्या? आपको चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरा सा चक्कर आ गया था, लड़खड़ा पड़ा और गिर गया, चोट लग गई। ठीक है दीनानाथ जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, जय महाराष्ट्र। क्या हुआ दीनानाथ जी, बड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या बताऊं प्रिंसिपल साहब, आजकल के बच्चे बड़े ही उद्दंड और शिक्षा से विमुक्त होते जा रहे हैं। मैं इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इन्हें सुधारने का कोई उपाय बताइए। दीनानाथ जी, जमाना बदल गया है, अब विद्या को छोड़िए, लक्ष्मी की चिंता कीजिए, विद्या को उसके अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मेरी सांसें रुक रही है, मेरा दम उखड़ रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। भैया भैया मुझे बचाओ, बचाओ भैया, नारद भैया मुझे बचाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये कौन दर्द से करा रहा है, ये कौन जमीन पर तड़प रहा है? अरे ये तो विद्या है, मेरी बहन विद्या, सरस्वती, बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की, बताओ मुझे बताओ। भ्राता श्री, पृथ्वीवासियों ने मेरा दुरुपयोग किया है, अपमान किया है, ना समझो ने मेरा तिरस्कार किया है, बहिष्कार किया है, मुझे छोड़ लक्ष्मी को अपना लिया है। अरे मूर्ख है वो जो विद्या विहीन धन को पूजते हैं, लक्ष्मी संग सरस्वती हो तो ही बगल में मंगलमय गणपति शोभते हैं। परमपिता परमेश्वर ने सवारी स्वरूप सरस्वती को हंस दिया है, तो ये भी सत्य है, लक्ष्मी ने सवारी के लिए उल्लुओं को ही पाया है। भ्राता श्री, आज मेरा विनाश निश्चित है, मेरा अंत समीप है, वादा कीजिए, वादा कीजिए आप मुझे न्याय दिलाएंगे, वादा कीजिए। आह आह विद्या नहीं, आह विद्या मेरी बहन नहीं, आह रे दर्द से सीना छलनी हो गया, विद्या का अंत हो गया। जिसने भी किया आज विद्या का विनाश, कल निश्चित होगा उसके भविष्य का सर्वनाश। मानव जाति ने किया है जघन्य महापाप, क्रोध की ज्वाला से देता हूँ मैं श्राप, आज
के बाद इंसान और ज्ञान में होगी लंबी दूरी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नहीं होगी किसी की विद्या पूरी। अरे मेरी बहन विद्या, मेरी बहन मुझे न्याय चाहिए महाराज यमराज, मुझे न्याय चाहिए विद्या मेरी बहन, त्राहिमाम महाराज यमराज, त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। होशियार खबरदार, मृत्युदाता प्राणहर्ता महाकाल महाराज यमराज पधार रहे हैं। महाराज यमराज की जय, महाराज यमराज की जय। यम है हम है यम। आहर मेरी विद्या, मुझे न्याय चाहिए महाराज यमराज, मुझे न्याय चाहिए महाराज यमराज, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज मुझे न्याय चाहिए। यम है हम है यम। हे परम भक्त नारद, हे मुनिवर, क्या आप नहीं जानते ब्रह्मांड में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। आप सर्वज्ञाता होकर इस तरह विलाप करेंगे तो मानव जाति पर इसका क्या परिणाम होगा? नहीं महाराज, मुझे बातों में ना उलझाएं। जानता हूँ मैं ब्रह्मांड की हर एक चीज नश्वर है, नष्ट होगी, बांटने से एक दिन खत्म हो जाएगी। पर मेरी बहन सरस्वती को परमपिता ब्रह्मा का वरदान था, विद्या बांटने से सदैव बढ़ेगी, उसकी प्रतिभा अविनाशी होगी और सारे ब्रह्मांड में एकमात्र वो ही अमर होगी। फिर एक तुच्छ पृथ्वीवासी उसकी हत्या कैसे कर सकता है महाराज? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। पृथ्वीवासी, हे नारद, तुम विद्या की हत्या का दोषी किसे ठहराना चाहते हो? नारायण नारायण महाराज, तीनों लोकों का किया है मैंने भ्रमण, चारों ओर लगा है शिक्षा पर ग्रहण, शिष्य से लेकर शिक्षक सब बन बैठे हैं मानवता के भक्षक, मोबाइल से लेकर इंटरनेट तक अश्लीलता पढ़ाई जाती है, लक्ष्मी के बल पर विद्या की बलि चढ़ाई जाती है। महाराज अशिष्ट विद्यार्थी ने खोदी है मौत की खाई, मेरी बहन का कातिल है कांजी भाई, कांजी भाई कांजी भाई। यम है हम, निकालेंगे कांजी भाई का दम। यमदूतो पृथ्वीवासी, कांजी भाई को हाजिर किया जाए। पृथ्वीवासी, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी कांजी भाई हाजिर हो। यम है हम, हम है यम। कांजी भाई, तुम पर अशिष्टता अश्लीलता और उद्दंडता के साथ हत्या का आरोप लगाया गया है, तुम दोषी हो। दोषी 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 किसने ठहराया कांजी लाल को? आ गया मैं श्री कृष्ण देने जवाब हर सवाल को। अरे शरारत तो है बचपन, उद्दंडता है नटखटपन, अशिष्टता है लड़कपन और अश्लीलता तो सौंदर्य का दर्पण। ये नादान आज उंगली माल तो कल वाल्मीकि का स्वरूप है, और हे मुनिवर, बच्चे ही तो भगवान का रूप है। भगवान का रूप नहीं, ये रेगिस्तान की कड़कती धूप है। हे महाराज आप क्यों चुप है? भ्रष्ट न हो जाए शिक्षा जगत की हालत, तुरंत चलाइए इन पर न्याय की अदालत। यम है हम है यम। अदालत आरंभ हो। ए अपुन का कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन है क्या? इसका गवाह अपुन का बेस्ट फ्रेंड पटेल है, मंगता है तो बुलाकर पूछ लो। यम है हम, हम है यम। यमदूत कांजी भाई के मित्र पटेल को हाजिर किया जाए। पृथ्वीवासी, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी कांजी भाई का मित्र पटेल हाजिर हो। पटेल, क्या तुम अपने दोस्त से खुश नहीं हो? इसने दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया। कांजी के बारे में ओरिजिनल कांजी पूछ रहे भाई, तो सुनिए भगवान, जैसे सुदामा श्री कृष्ण ने वैसे पटेल के लिए कांजी भाई, इसने हमेशा पैसे कर मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, कभी किसी के लिए ना नहीं बोला, एकदम सॉलिड का फ्रेंड। देखा महाराज, मित्र के रूप में कांजी भाई को पास, ये पटेल अपने आप को कितना समझता है। नारायण नारायण, तनिक रुकिए कन्हैया, पटेल तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो?
महाराज कांजी ने तो आप उनका वर्तमान कुकट में ही सवार डाला, पर आप उनको भविष्य का बहुत टेंशन है। इसने आप उनको ऐसा ऐसो आराम और आयासी कराया कि आप उन 4 साल में ही 12वीं पास नहीं हो पाया। इसकी वजह से आप उनको सिगरेट बियर और जुए का चस्का लगा, जवानी में ही साला कैंसर का झटका लगा। लाइफ का सोच के आप उन हो जाता है उदास, साला इसकी वजह से कैरियर हो गया खल्लास। नारायण नारायण, सुना महाराज आपने, मुफ्त खोरी और घूस खोरी इंसान को किस कदर खोखला बना देती है। दूसरों के सहारे जीवन नहीं चलता। कलयुग में सुदामा की मित्रता अगर श्री कृष्ण से हुई तो वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। महाराज पटेल की बेबसी और लाचारी का एकमात्र दोषी कांजी भाई ही है। नहीं नहीं, गलत आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर। दोस्ती में सब तो चलता रहता है। नारायण नारायण, सुना महाराज आपने, ऐसे लोग ही करते हैं विश्वास का खात्मा और अपने आप को समझते हैं महात्मा। पर देख रहा है सब कुछ परमात्मा, वैकुंठ में रो रही है वैदेही की अंतरात्मा। अब उसी तड़पती आत्मा को बुलाया जाए। यम है हम, हम है यम, यमदूत उस आत्मा को बुलाया जाए। कांजी भाई की कॉलेज छात्रा, वैदेही की आत्मा हाजिर हो। बोलो वैदेही, इतनी कम उम्र में तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? महाराज कांजी बड़े घर का लड़का है, इसने विद्या की तो कभी इज्जत की ही नहीं। एक दिन कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पाप और बेइज्जती के जब लोग मारने लगे ताने, चलती ट्रेन से कूद गई मैं फिसलने के बहाने। विद्या का ये हत्यारा मेरा भी हत्यारा है महाराज। मेरी तड़पती आत्मा को शांति चाहिए, इसे सजा मिलनी ही चाहिए, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। नारायण नारायण, सुना महाराज आपने, आज के विद्यार्थी को सरस्वती की विद्या नहीं, श्री कृष्ण की रास लीला चाहिए। वैदेही को समझा जरूरत का सामान, नारी जाति का किया है इसने अपमान। भ्रष्ट किया है सारी सृष्टि, छीन लीजिए इसकी कुदृष्टि। शीघ्रता ना करे मुनिवर, पुत्र का मूल सूत्र तो माता पिता से जुड़ा होता है, अतः आप कृपा करके कांजी भाई के पिता को बुलाइए। यमदूत कांजी भाई के पिता श्री को हाजिर करो। कांजी भाई के पिता पृथ्वीवासी नंदलाल हाजिर हो। हे जनक, बेटा तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होता है, अब आप ही महाराज से न्याय मांगिए। जिगर का टुकड़ा नहीं, इसने जिगर के टुकड़े किए हैं महाराज। बड़े प्यार से इसका नाम कांजी भाई रखा था, पर गद्दा ही निकला। नहीं सोचा था कि यह भी काना की तरह चोरी करेगा, शादी वाले दिन दहेज की रकम उड़ा ले जाएगा। हाय रे मेरी बेटी, डोली की जगह उसकी अर्थी उठी। हे ईश्वर, अगर संतान की होती है ऐसी तस्वीर तो अगले जन्म नपुंसक पैदा हूँ, लिख देना ऐसी तकदीर। नारायण नारायण, संतान के हाथों से पाकर आज मुक्ति प्राप्त करता है बाप। पर ये वो है आज दिन का साप, जिसके पाप का नहीं कोई नाप। आने वाली पीढ़ी के लिए बन न जाए महाश्राप, सजा दीजिए ऐसी रूह जाए इसकी काप। अच्छा आस्तीन का साप, तो उस शिक्षक को बुलाइए आप जिसने गलत शिक्षा देने का किया है पाप। शिष्य ना हो निकम्मा, यह एकमात्र शिक्षक का होता है जिम्मा। वाह सॉलिड पॉइंट पकड़ा था भाई, एकदम झक्कास बात बोल रहा है। सुरेश सर पढ़ाते पढ़ाते अकाउंट, अक्का लेक्चर सोचते कब मिलेगा सैलरी का अमाउंट। संजय सर की तो नॉन स्टॉप केमेट्री, पल्ले नहीं पड़ता अलजेब्रा पढ़ाया ज्योमेट्री। विजय सर तो मुंह से मारते पिचकारी, पहले बेंच वालों से खेलते होली बारी। इको वाले सर तो कमाल के एक्टर, चालू हुआ नहीं कि खल्लास अक्खा चैप्टर। रिंजन मिस की तो दर्जनों दांडी, गणपति नवरात्रि तो कभी दे आंडी। साइंटिस्ट सर की तो टेक्निकल लोरी, 10 मिनट में लुढ़क जाए छोरा हो या छोरी। आज मचेंगा शोर, लगे रहो माखन चोर। महाराज उस शिक्षक को बुलाया जाए। यम है हम, हम है यम, यमदूत उस शिक्षक को हाजिर करो। शिक्षा देने वाले शिक्षक कांजी भाई के गुरु मास्टर दीनानाथ हाजिर हो। दीनानाथ जी, गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एक लव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि शिक्षा गलत हाथों में चली गई। आज आपने इस अयोग्य विद्यार्थी को विद्या देकर विद्या की मृत्यु में अक्षम्य पाप किया है। प्रणाम भगवान,
आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आप ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। आपने गीता के माध्यम से परमात्मा की सच्चाई का बोध कराया, जीवन के सत्य को उजागृत किया है। आपके समक्ष कुछ बोलूं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु भगवान आप तो जानते हैं विद्या होती ही है अयोग्य को योग्य बनाने के लिए। तो क्या विद्या एकलव्य जैसे चोर को भी दी जा सकती है? नारायण नारायण, विद्या चुराई थी अगर एकलव्य ने तो अंगूठा काट कर उसकी कीमत भी चुकाई। इससे ज्यादा विद्या का सम्मान इस संसार में ना किसी ने किया था ना कर पाएगा। अरे अस्तित्व खो दिया उसने अपना विद्या और गुरु की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, पर आज इसने उसकी हत्या की है अपने निजी स्वार्थ के लिए। विद्यार्थी होकर विद्या की अर्थी उठाई, महाराज दुहाई है दुहाई। विद्यार्थी होकर विद्या की अर्थी उठाई, यम है हम है यम, यमदू तो इसे सूली पर चढ़ा दो। नहीं नहीं कन्हैया बचाइए, श्री कृष्ण बचाइए, गुरुजी बचाइए। नहीं नहीं रुकिए महाराज, विद्या का असली हत्यारा मैं हूँ। गुरु की सही विद्या ही शैतान को इंसान और इंसान को भगवान बनाती है। इतिहास भी इस बात का गवाह है महाराज। विद्या की अत्युक्त शक्ति के बल पर ही महर्षि वाल्मीकि ने राम को पुरुषोत्तम राम और गौतम बुद्ध ने विध्वंसी अशोक को महान सम्राट अशोक बनाया। स्वामी रामदास ने शिवाजी को सरजा शिवाजी और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भारत वर्ष का इतिहास बनाया। अगर विद्यार्थी को विद्या का अर्थ नहीं समझ में आया तो ये शिक्षक की हार है, शिक्षक का अपराध है। महाराज विद्या का हत्यारा मैं हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, इसे छोड़ दीजिए, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। नहीं गुरुदेव नहीं, नहीं गुरुदेव नहीं, एकलव्य का बलिदान व्यर्थ गया, आज गुरु दक्षिणा का रूप बदल गया। विद्यार्थी विद्या का अर्थ भूल गया, आज गुरु ही सूली पर झूल गया। अरे अभिमन्यु ने तो अर्जुन की विद्या माँ के पेट में ही सीख ली थी, क्या फिर नहीं पैदा होगा अभिमन्यु जैसा तर्राक और एकलव्य जैसा निस्वार्थ विद्यार्थी? हाय रे मुस्कुरा रहा है भविष्य भूल कर हर कर्तव्य, जवाब दो विधाता पूछ रहा है अतीत, क्या गलत था एकलव्य, क्या गलत था एकलव्य, क्या गलत था एकलव्य। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, आज भी सत्य की विजय है भाई। अपुन तो पहले ही बोल रहा था अपुन एकदम व्हाइट कलर आदमी है भाई, सबको मालूम है उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं होता, फिर अपुन कैसे मिस्टेक कर सकता है? अगर बाय मिस्टेक कभी अपुन के मुंह से गाली निकल जाती है तो अपुन का नहीं जुबान पे बैठी नहीं सरस्वती माँ का मिस्टेक है। क्या ये जो आर्ट मास्टर की मौत हुई है ना, इसके पीछे भी यमराज भाई का सॉलिड प्लानिंग था। आदमी पैदा हुआ नहीं कि उसकी मर्डर की सुपारी यमराज भाई के पास पहुंच जाती है। अपुन का हाथ बिल्कुल साफ है, कभी कभी अपुन के हाथ में पैसे आ जाती है, अपुन की गर्मी बढ़ जाती है, अपुन को खुजली होने लगती है, ये तो लक्ष्मी माँ का प्रॉब्लम ना भाई। वैसे अपुन झूठ नहीं बोलेगा, अपुन ने लाइफ का सब मजा खेला है। चीची एक काम भाव ने अपुन में कौन डालता है नहीं मालूम? भगवान काम दे यार, मालूम नहीं क्या, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। भगवान लोग की माया परंपरा है भाई। पुरुषोत्तम राम ने बाली की हत्या की छुप कर, श्री कृष्ण ने जगदत्त को मरवाया सूर्य को छुपा कर, अहिल्या संग मुंह कलवा करवाया इंद्र ने भगवान होकर, समुद्र लांगते लांगते बाल ब्रह्मचारी हनुमान लौटे बाप बनकर, गणपति के लिए महादेव शंकर ने निर्दोष हाथी का सिर काटा, एक बार इतिहास ने पांच पांडवों में बांटा। इन सब की जय तो अपुन की भी जय। फिर भी अगर किसी को लगता है अपुन ने विद्या का इंसुलेट करके पाप किए लाए तो जा रहा भाई, गंगा में पांच डुबकी मारेगा एकदम फ्रेश हो के आएगा। चले अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला ए साला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः।
शिक्षकों, हे गुरुजनों, सोने की चिड़िया इसी देश का था नाम, धन्य हुए हैं जहाँ पाकर जन्म कृष्ण और राम। अब तुम्हें ही कर दिखलाना है कुछ ऐसा काम कि सारे जग में झिलमिला उठे शिक्षा का नाम। कस लो कमर तुम, कर्म से पहले आराम होगा ना राधे श्याम, रोटी कपड़ा और मकान के संग बस शिक्षा ही होगा चौथा धाम। अरे नादान है वो विद्यार्थी जो सोचते हैं अंत में उठा लेंगे कैलाश पहाड़ी, साल भर इठलाते हैं वो अपने ही पैरों पर मार कुल्हाड़ी। पर जान लो अज्ञानियों, पहचान लो मूर्खों, विद्या में वो शक्ति है जो सूर्य के तेज में नहीं, पवन के वेग में नहीं, विद्या में वो मधुरता है जो गंगा की बूंद में नहीं, अमृत की घूंट में नहीं, विद्या में वो ऐश्वर्यता है जो लक्ष्मी के आने में नहीं, कुबेर के खजाने में नहीं, विद्या वो सिंहासन है जो माँ की गोद में नहीं, स्वर्ग की कोख में नहीं, विद्या वो ऐलान है जो विष्णु के शंख में नहीं, महादेव के मृदंग में नहीं, विद्या वो ऊंचाई है जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, अंतर्यामियों के दिव्य दृष्टि में नहीं, विद्या गौतम बुद्ध महावीर चाणक्य की जुबान पर विद्यमान है, विद्या वेद ग्रंथ बाइबल और गीता कुरान है। अरे विद्या के खोने में वो दुख है जो बेटी के कन्यादान में नहीं, परंतु पाने में वो सुख है जो देवताओं के वरदान में नहीं। हाय रे मेरी विद्या, हाय रे कलयुग, कलयुग का खेल है, अंधों की रेल है, लक्ष्मी तो हाथ की मैल है, पर मेरी विद्या का नहीं कोई मेल है। हे भोले शंकर मुझे न्याय चाहिए, हे देवों के देव महादेव मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। प्रार्थना।